कमोडिटी मार्केट में बेहद ही थिन वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि छुट्टियों का समय है। कल कॉमिक्स बंद था, एलएमई बंद थे और आज भी एलएमई बंद है, लेकिन आज किस तरह की शुरुआत एमसीएक्स पर हो रही है, यहाँ तो कारोबार हो ही रहा है। तो एमसीएक्स गोल्ड देखिए 86 रुपये ऊपर, 54,763 के ऊपर शुरुआती कारोबार में गोल्ड की चाल। चांदी की चाल अगर यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर 69,266 रुपये के आसपास, करीब करीब 200 रुपये की मजबूती शुरुआती कारोबार में चांदी में दिख रही है। बाकी अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जिंक 0.5% की तेजी 270 रुपये ऊपर, एल्युमिनियम में 4.5% तक की तेजी 209 रुपये के ऊपर। कॉपर थिन वॉल्यूम की वजह से एलएमई बंद था, कल तो यहाँ जबरदस्त तेजी दिखी, आज सुस्ती दिख रही है शुरुआती कारोबार में, लेकिन अभी भी 725 रुपये के ऊपर कॉपर जनवरी वायदा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बाकी लेड में देखिए 188, लेकिन क्रूड जहां पर वापस से धीरे धीरे खरीदारी कल दिख रही थी और आज 6,650 के आसपास एमसीएक्स क्रूड कारोबार कर रहा है। हालांकि कल ज़्यादातर विदेशी बाजार बंद थे, लेकिन रूस से जिस तरह की सप्लाई हटने की चिंता है उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। एग्री मार्केट में ग्वार गम जहाँ पर तेजी है 0.25% के आसपास की 12,900 के आसपास, ग्वार सीड 6,050 के ऊपर। जीरा जहाँ पर कल ऊपरी स्तर पर दबाव दिखा था आज सुस्ती है 29,850 के आसपास, और टर्मरिक और कोरिएंडर यहाँ पर हल्की तेजी के साथ शुरुआती कारोबार में कारोबार हो रहा है, लेकिन देखते हैं आगे किस तरह की चाल रहती है। पूरा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी में 11:30 पर।